नमस्कार। कल बहुत से विद्यार्थियों से बात की, बड़ा अच्छा लगा। कईयों की ये डिमांड थी कि मैं हाथों के एक्शन, पांव के एक्शन वो भी बताऊं, तो केवल उनके लिए आज फिर एक स्पेशल क्लास में आपको ले रहा हूं। ये जैसे मैंने मेरे हाथ मैंने सामने रखा और ये इस तरह से हल्की सी रफ ड्राइंग की है मैंने, ये इस तरह से, तो आपको भी इस तरह से अपने हाथ को सामने रखिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप नेचर की स्टडी की, आप अपनी स्टडी कीजिए। इस तरह से आप जैसे ये हाथ मैंने बनाया, इस पर ये लाइन करिए, इस तरह से रफ, एकदम रफ बना लीजिए। रफ बनाने के बाद में ये जैसे ये मैंने बनाया, ये मेरे हाथ है इस तरह से। और उसके बाद में इसको ट्रेडिशनल आर्ट में कैसे, एक तो रियलिस्टिक चीज़ होगी, हमें रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ को हमको विशेष ध्यान रखना है। हम पारंपरिक तरीके से हमें काम करना है, तो उसको हमें देखना है कि हमें कैसे करना है। तो ये इस तरह से एकदम रफ स्केच करने के बाद में फिर इसको हम धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको साफ करना है इस तरह से, एक्स्ट्रा सारी लाइन हटा देनी है। ये से बस आपको नज़र आ जाए कि नीचे लाइन है, उस जगह पे हमें फाइनल लाइन करनी है। तो ये इस तरह से मैंने अलग अलग हाथों की जो मुद्राएं हैं ये मैंने ड्राइंग की है। अब इस पर हम इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट की जो खास बात है फाइन लाइन, वो हम इस पर करेंगे। तो उसके लिए वही मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइन करने से पूर्व प्राणायाम करिए आप 5 मिनट, और प्राणायाम करने के बाद में धीरे धीरे 3-4 बार सांस लीजिए और रोकिए। जितने आप श्वास रोकेंगे उतना अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है कि वो लाइन करने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो जिस बातों पे मैं जोर दे रहा हूँ आप उन पे भी गौर करें कि मैं क्यों प्राणायाम पे, मैं क्यों ध्यान मेडिटेशन पे, इन पे जोर देता हूँ। तो अभी आप देखिए कि जब हम इस पर लाइन करेंगे, अब सबसे बड़ी बात है कि लाइन करने में शुरुआत कहाँ से करें। हम जब जो पॉइंट आए हमारा डार्क वाला, वो किधर से बने और कौन सी जगह से लाइन डार्क होनी चाहिए, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो हम ये देखिएगा, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सांस रोक के रखें, अब जब आप इस तरह से लाइन करेंगे तो ये देखिए हल्का सा इनको, जो उंगली के अलग अलग हो रहे हैं इनको इस तरह से,
ये खूबसूरती हमारी भारतीय चित्रकला की, लाइनों के माध्यम से हम जो चीज़ बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। ये इसमें जो फ्लो आया कि यहाँ हमें कहाँ डार्क करना है, कहाँ लाइट करना है, ब्रश को कहाँ हल्का करना है, कहाँ डार्क करना, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना। तो इस तरह से मैं आपको ये मैंने सारे हाथ के अपने एक्शन करके, आप भी अपने हाथों के एक्शन करें और इस तरह से, और ब्रश को देखिए आप कितने इस तरह से। अब ये आप जब वो पेंटिंग बनाएंगे तो उसके अंदर भगवान श्री राम के हाथ में तीर पकड़ा हुआ है, अलग अलग एक्शन से आप तीर पकड़ा सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, यों पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, यों पकड़ सकते हैं, कैसे भी, है ना। ये इस तरह से यहाँ ये जब ब्रश चले आप मौन हो जाए।
जब भी कुछ शुरू करें श्वास अंदर लें, रोकें,
हर तरह से आप लाइन कर सकते हैं, फ्लो के हिसाब से भी, सिंपल लाइन करके भी। तो इस तरह से हम जब लाइन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट और उसकी फिगर की एनाटॉमी का विशेष ध्यान रखना होता है। इस तरह से आप लाइन करेंगे, शेड लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये है फाइन लाइन का, उंगलियों के, हाथों के एक्शन के। तो इस तरह से आप अपने ही हाथों को सामने रखिए, अलग अलग एक्शन लीजिए, कभी क्या कुछ कुछ, कभी ऐसे करें कि इस तरह से करें, हर एंगल से आप अपने हाथ से। अगर ऐसा अगर आप रखने में प्रॉब्लम हो तो आप इस एंगल का फ़ोटो ले लें, फ़ोटो खींचने के बाद फिर उसको देख करके ड्राइंग करें। तो मैं समझता हूँ ये हाथों की भाव भंगिमाओं का आपको विशेष अभ्यास करने से आपकी पेंटिंग में बहुत निखार आएगा। नमस्कार।